अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो हिजरत की थी ना, माइग्रेशन, वो यूके से की थी। यूके में हमें पासपोर्ट्स एक्सिट हो चुके थे और वहाँ पे तकरीबन 18 साल मैंने ज़िंदगी गुजारी है, सुभान अल्लाह। वहाँ के बाद फिर मुझे यहाँ की अपॉर्चुनिटी नज़र आई, तो मतलब चलो चलते हैं। माइग्रेशन की वो जो हिस्ट्री थी ना, वो मैंने रिकॉर्ड की है पूरी की पूरी, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। 4 पार्ट्स की सीरीज़ है और उसके अंदर ट्रैवलिंग में क्या हमारे जो है एक्सपीरियंस रहा, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांजिशन हुआ यूके से कनाडा। तो हमारी वो हिजरत थी यूके से कनाडा की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ 4 सीरीज के पार्ट में। तो चलें देखते हैं साथ में मिलकर। अस्सलामुअलैकुम। तैयारी हो गई है कनाडा जाने की। घर का भी नोटिस दे दिया, क्लियर कर दिया, अब सिर्फ सूटकेस पड़े हैं और बस आखिरी ट्रिप एक रह गया है, वो अदनान भाई से मिलने का, और उनके कुछ चीज़ें थी वो लौटानी थी, वो हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे कैब के अंदर होटल, आज रात होटल स्टे करेंगे और सुबह है फ्लाइट हमारी गैटविक एयरपोर्ट से टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो गाड़ी तो भेज दी मैंने, अब ये दोस्त ने गाड़ी की चाबी दी है जो कि मैनुअल है, के जो काम काज में आखिरी काम आ रही है माशाल्लाह ये गाड़ी है। मगरिब का टाइम होने वाला है और हम जा रहे हैं अदनान भाई से मिलने। उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ मेरे पास पड़े थे, वो लौटा देंगे और खैराबाद कह देंगे गले मिलके। उसके बाद फिर हमारी जर्नी शुरू होगी। ये बिल्डिंग है अदनान भाई की। फोन कर दिया मैंने, अभी आ रहा है नीचे, तो फिर मिलते हैं। ये आ गया। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ब्लॉगर बन रहे हैं। क्या सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तुम सुनाओ, क्या सब खैरियत? मैं वो गाड़ी, अच्छा होटल के लिए हमने ले लिया है शावरमा। कैन यू मेक अ क्विक शॉर्ट वीडियो ऑफ द शावरमा? इज ओके। ये शावरमा लिया ताकि होटल में चल जाए। इज इट रेडी? सो इट्स ओके, जस्ट डन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात को शावर में खाएंगे और पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया, वो ले जाएंगे साथ में, ताकि फिर सुबह हम जाएंगे एयरपोर्ट, होटल से ही एयरपोर्ट जाएंगे। पिज़्ज़ा भी उठिए, रात को काम आएगा इंशाल्लाह। ऑलिव्स हैं इसमें जी, और शावरमा।
कर सकते हैं आप भी बात। ये हो गया शावर में की अनरैपिंग, अनबॉक्सिंग शावर में की। मैंने सोचा था कि होटल में लेके जाके खाएंगे, मगर भूख चमक गई तो यहीं पे हमने शुरू कर दिया खाना। तो सॉस के साथ लगा दिया के साथ क्या वो अंत में सोचा था कि मैं हो गई एयरपोर्ट की तैयारी। मैं सोच रहा हूँ 2-in-1 वीडियो कर लूँ, एक ये LNQ जो है लैंडलॉर्ड उनके लिए भी और एक अपने बैगेज के लिए भी। सही, चलो ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पीसेस हैं। तो 5 बड़े, 1, 2, 3, 4, 5 तो बड़े हो गए। फिर हैंड में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात के बाद 1, 2, 3 बेबी सीट है। 1, 2, 3, 4, 7, 5 5 बड़े, 7 छोटे और 4 बेबी, 2 प्रैम, 2 सीट्स। नहीं चली अभी, इधर आओ उसमें। जी जी
ना, सॉरी जी, इस वक्त हम रवा दवा हैं एयरपोर्ट की जानिब। फ्लाइट सुबह में, आज रात होटल में रहेंगे। हुस्ना सो चुकी है, बाकी पहुंच गए। अच्छा, वहाँ ट्रॉली मिल जाएगी? ट्रॉली मिल जाएगी वहाँ पर? नहीं नहीं मिलेगी। हाँ, यहीं से चले जाएंगे इंशाल्लाह। आगे बैठा, लिफ्ट 3 आ गई है ये होटल की। रिसेप्शन इज एट 0। रूम में है जगह, कहीं ना कहीं ट्रॉली रख लेंगे। हमजा, हम कहाँ पे आ गए? होटल। अब्दुलरहमान, कहाँ पे आ गए हम? होटल में आ गए। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? जहाज में मामा जाएंगे। गए अब्बा। रास्ता दो मुझे। आ जाओ बच्चों। 943। हाँ, रूम नंबर 943 में जाने हैं। इसमें इधर से फिर लेफ्ट हो जाएंगे। ये दो ट्रॉली मैंने पहले ला के रख दी थी, तो बेरली चलने की जगह है यहाँ पे। डबल रूम है ये प्रीमियर इन का। हमजा, आपने शूज उतारे? नहीं उतारे। हाँ, शूज उतार के फिर चढ़ना बेड पे। कैसा लगा बच्चों कमरा? यहाँ से नजर आ रहा है ना एयरपोर्ट सामने, वो जहाज खड़े हैं। जी जी, हम यहाँ नीचे उतरे थे कैब से इस जगह पे, इस पिलर के पास, और अंदर आ गए। इधर ही से सामने अगर जाएंगे तो एयरपोर्ट है। डिपार्चर। इसके अंदर क्या है? आला पिज़्ज़ा। आला पिज़्ज़ा है। पहले मैं वितर पढ़ लूं फिर खाएंगे? अभी खाएंगे। नमाज तो पढ़ना था पहले। वितर फिर खाएंगे फिर नमाज पढ़ेंगे। अच्छा।